Firstly, it's a big honor to be in a lineup such as this on an international platform like Global Citizen. And I'm promoting a cause that's been very dear to my heart, which is education of the girl child. क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो हमने 8 साल पहले मुहिम शुरू की प्रोजेक्ट देवी के नाम से, जहाँ पे हमने गरीब बच्चियों को वृंदावन में रेस्क्यू किया फ्रॉम बीइंग सोल्ड इनटू चाइल्ड लेबर, बीइंग सोल्ड इनटू चाइल्ड मैरिज एंड इवन चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन. और कुछ बच्चियाँ तो सिर्फ 5-6 साल की थी. आज उन बच्चियों की तकदीर बदल गई है क्योंकि हमने उनको फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर का एक प्लेटफॉर्म दिया, एक जरिया दिया. वो अपना भाग्य आज खुद लिख रही है. आई थिंक जो सशक्तिकरण है, जो एम्पावरमेंट है, वो एजुकेशन के थ्रू हो सकता है. और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगा कि कॉन्सर्ट है तो सब लोग कोल्ड प्ले को सुनने आए हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं. हम सीरियस बात करेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे. लेकिन 80,000 ऐसे दिल यहाँ धड़क रहे हैं जो खुले हैं और जो दूसरों के लिए भी सोचते हैं. क्योंकि हर शब्द पर, हर वाक्य पर, ऑन एवरी सेंटेंस दे वर चीयरिंग मी ऑन. एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस गुडनेस फ्रॉम द हार्ट ऑफ एवरी सिंगल ग्लोबल सिटीजन प्रेजेंट हियर टुडे एंड वॉचिंग ऑन टीवी. कोल्ड प्ले. क्या होता है, बाकी सबके परफॉर्मेंसेज हम देखते रहते हैं. साल में 6-7 अवार्ड सेरेमनीज होती हैं. सॉरी, व्हाट यू थिंक? क्रिस मार्टिन एंड माय फेवरेट सॉन्ग वुड बी येलो. आई वाज अ ड्रीम कम ट्रू बिकॉज व्हेन आई मेट हिम फॉर डिनर, वी वर ऑल सिटिंग चिलिंग. देयर वाज फरहान, देयर वाज क्रिस मार्टिन, एंड देयर वाज शंकर एहसान लॉय, मेनी अदर्स. एंड आई नेवर थॉट कि यू नो, जनरली पीपल हु कम फ्रॉम ओवरसीज, यू हैव एन एक्सपेक्टेशन दैट देयर विल बी अ लिटिल, यू नो, snobby. But he was so cool, joote wote utar ke baith gaye, and he just started singing and jamming with everybody. To hear that and to see that was fabulous. I think he truly has a golden heart. Jab bhi main gaata tha to log rote the, to isliye maine gana band kar diya. Just joking, but I can't sing it. Cheers. I think it's disruptive. I think the future of television is going to be shared with digital media. Aaj hum apne mobile phone par sari cheeze consume karne lage hain aur koi aadharit samay nahi rehta hai ki bhai 9 se 10 mujhe ye dekhna hai. Aap kabhi bhi dekh sakte hain. And that disruption is going to change a lot of things. Also, data bahut saste mein available ho raha hai, aap jante hi hain. So I think that's going to make a big difference. Company 2 should be starting soon. बस यही रिएक्शन है. मुझे लगता है कि जब भी जंग होती है तो कुछ लोग शहीद होते हैं, लोगों को दिक्कतें आती हैं, मुश्किल होती है और बहुत सारे लोगों को हो रही है. लेकिन हमें एक सकारात्मक व्यू लेना चाहिए क्योंकि ये देश के लिए बहुत अच्छा है. जब भी हम बीमार होते हैं और डॉक्टर आपको इंजेक्शन देता है तो आप डॉक्टर को गाली देते हैं क्या? ये इंजेक्शन है, आपको ठीक करेगा, आपके देश के स्वास्थ्य को ठीक करेगा. और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग क्यू में खड़े हुए, लोगों के कतार में खड़े हुए, लोगों के हित में बोल रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं. तो मेरी कंपनी जो है कर्म, जो हम अफोर्डेबल होम्स बनाते हैं, हमने हमारी सारी टीम को ऑफिस आने से बंद कर दिया. हमने 400 लोगों को लगा दिया है अक्रॉस डिफरेंट सेंटर्स कि सुबह से शाम आप जाइए. और जितने लोग, खासकर सीनियर सिटीजन्स जो बैंक के क्यूज़ में खड़े हैं, पिछले 5 दिन से हम उनको पानी, बिस्किट्स, खाने पीने की चीज़ें फ्री में दे रहे हैं. तो अगर आपको सेवा करनी है तो आप आइए, सेवा कीजिए, सिर्फ बोलिए मत. बिकॉज ही इज द ग्रेटेस्ट गैंगस्टर. मुत्तप्पा राय इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गैंगस्टर्स ऑफ ऑल टाइम. यू हैवंट सीन माय